हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज के टॉपिक में हम चैप्टर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर रिवीजन है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, चार्ट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन डिस्प्लेइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चार्ट्स क्या होता है? चार्ट्स एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का जो कि हमारे ग्राफिकल व्यू को प्रोवाइड करता है, यानी कि चार्ट के द्वारा हम अपने किसी भी टाइप के डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि ग्राफ के फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में, कलरफुल डिज़ाइन विथ कलरफुल ग्राफिकल फॉर्म में हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट लाइन कवर है। सेकंड लाइन देखते हैं, अ चार्ट इज फॉर्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट। हमारा जो चार्ट जो बनता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि हमारा चार्ट एरिया हो गया, प्लॉट एरिया हो गया, चार्ट टाइटल हो गया, डाटा सीरीज हो गया, और इस तरह के बहुत। ठीक है, चार्ट एरिया ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर हम चार्ट को बनाते हैं, मतलब जहाँ हमारा चार्ट दिखता है वो एरिया हमारा चार्ट एरिया कहलाता है। प्लॉट एरिया क्या कहलाता है? जिस एरिया के अंदर हम चार्ट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, यानी जहाँ से हम, जैसे हम चाह रहे हैं कि चार्ट के अंदर एक टेबल हो। ठीक है, तो टेबल के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को वीडियो में, जैसे ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा हो गया चार्ट एरिया, ये हमारा हो गया प्लॉट एरिया, यानी कि हम जहाँ से किसी चीज़ को, किसी टूल्स का यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्लॉट एरिया। ठीक है, हम ये एरिया प्रोवाइड कर देते हैं अलग से, पहले से ऊपर में जो टाइटल और जो टूल्स होता है वो अलग है, हम प्लॉट एरिया उसको कह रहे हैं। जब हम खुद से किसी भी टूल्स को ओपन करते हैं, अगर वो साइड में ओपन होता है तो हमारा एक तरह का प्लॉट एरिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से क्या है हमारा चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल क्या होता है? नेम ऑफ आवर चार्ट, हमारे चार्ट का जो नाम होता है वही हमारा क्या कहलाता है, चार्ट टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाटा सीरीज। डाटा सीरीज क्या होता है? हम बहुत सारे चार्ट को बना रहे हैं, मतलब एक ही डाटा के अंदर बहुत सारा चार्ट है, तो सभी एक सीरीज के फॉर्म में बने, ये हमारा क्या कहलाएगा, डाटा सीरीज। या फिर हम नॉर्मली कह सकते हैं जैसे हम एक रिजल्ट बना रहे हैं चार्ट में। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या है, हम सबसे पहले रोल नंबर देंगे। ठीक है, तो रोल नंबर क्या होगा, एक सीरीज के फॉर्म में होगा, 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये एक सीरीज का फॉर्म है। तो डाटा को जब हम किसी भी फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में लाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डाटा सीरीज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारा, एमएस एक्सेल प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ चार्ट। एमएस एक्सेल जो होता है, ठीक है, या एमएस एक्सेस भी कह सकते हो आप, एक्सेस एक्सेल का ही अपडेट है। ठीक है, एमएस एक्सेल प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ चार्ट, बहुत तरह का चार्ट हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और इस तरह के अनेक। ईच चार्ट टाइप प्रेजेंट डाटा इन डिफरेंट मैनर्स। सभी चार्ट टाइप जो होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग मैनर्स में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट वैसा चार्ट जो रॉ और कॉलम के फॉर्म में हो, जैसे आप लोग एमएस एक्सेल में देखते होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, इस फॉर्म में, ये हो गया हमारा रॉ एंड कॉलम, मतलब कि इस एक्सेल के फॉर्म में जब आता है तो हमारा क्या हो गया, कॉलम चार्ट हो गया। ठीक है, बार चार्ट हो गया, उसी तरह से पाई चार्ट हो गया, आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे पाई चार्ट। ठीक है, इस तरह का जो हम चार्ट बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ठीक, बार चार्ट हो गया, बार चार्ट सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, जब हम किसी भी चीज़ को इस तरह से करते हैं। ठीक, तो बहुत अलग अलग फॉर्म में चार्ट हमें मिलता है, वेरियस टाइप ऑफ चार्ट, और सभी का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, अलग अलग मैनर्स में होता है, यानी कि अलग अलग तरीके का, अलग अलग डिज़ाइन में हमें डाटा को रिप्रेजेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन है, यू कैन ऐड और मोडिफाई वेरियस चार्ट एलिमेंट्स बाई यूजिंग ऐड चार्ट एलिमेंट बटन प्रेजेंट इन चार्ट लेआउट ग्रुप ऑफ डिजाइन टैब। हमें क्या है, ये एक टैब है। ठीक है, यानी कि ये क्या, टूल्स है। ठीक, अगर हम किसी भी चार्ट के एलिमेंट को, चार्ट एलिमेंट यानी चार्ट के अंदर जो भी डाटा है वो हमारा क्या हो गया, चार्ट का एलिमेंट हो गया। अगर हम किसी चार्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे। डिजाइन के अंदर हमारा चार्ट लेआउट होता है, जिसके अंदर होता है क्या, हमारा ऐड चार्ट एलिमेंट बटन। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसके डिज़ाइन को, उसके कलर को, उसके टेक्स्ट के फॉर्मेट को, उसके बहुत बहुत चीज़ को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ
ऐड चार्ट एलिमेंट बटन, ठीक है, जो रहता है हमारा डिजाइन टैब के अंदर चार्ट लेआउट ग्रुप में। ठीक, नेक्स्ट लाइन हमारा, ए स्पार्कलिंग इज अ मिक्सचर चार्ट डैट फिट्स इनटू अ सेल ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। स्पार्कलिंग क्या होता है, एक मिक्सचर चार्ट होता है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारा चार्ट हमारा मिक्सअप होता है, जो फिट्स इनटू सेल, जो कि हमारे एक सेल के अंदर फिट करता है, यानी ये हमारा एक एक्सेल का वर्कशीट है। ठीक है, ये हमारा एक्सेल का वर्कशीट है, ये हमारा रॉ और कॉलम का जो मिक्सर एक बॉक्स बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल है। ठीक है, तो क्या करता है स्पार्कलिंग, क्या करता है, हमारे पास बहुत सारा चार्ट है, हम चाह रहे हैं ये सभी चार्ट एक ही पेज के अंदर आए, तो क्या करेगा, एक चार्ट को एक सेल के अंदर, दूसरे चार्ट को दूसरे सेल के अंदर, तीसरे चार्ट को तीसरे सेल के अंदर ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। स्पार्कलिंग के द्वारा हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग के कितने टाइप होते हैं, लाइन, कॉलम और विन या लॉस कह सकते हैं। ठीक है, लाइन यानी कि लाइन के रूप में हमारे प्रोग्राम को, यानी कि हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम के फॉर्म में करेगा या फिर मिक्सअप फॉर्म में करेगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन है हमारा, नेक्स्ट लाइन क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट लाइन हमारा, ग्रुपिंग वर्कशीट फीचर्स इज यूज टू इंटर कॉमन डाटा एंड अप्लाई कॉमन फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स इन द ग्रुप्ड वर्कशीट। ग्रुपिंग वर्कशीट क्या होता है, ग्रुपिंग यानी बहुत सारा वर्कशीट, बहुत सारा वर्कशीट एक साथ जब हो वो ग्रुपिंग वर्कशीट कहलाता है। ये फीचर्स इसके क्या होते हैं, ये इंटर करता है कॉमन डाटा को। ठीक है, नॉर्मली जो डाटा हम लोग यूज करते हैं उसको ये इंटर करता है, मतलब यूज करता है, एंड अप्लाई कॉमन फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, और हमें क्या है, एक नॉर्मल इफेक्ट्स देता है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा कलर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फिर डिजाइन नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मली एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, एक सिंपल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम डाटा का यूज कर सकते हैं। ठीक, एंड द लास्ट लाइन इज, कंसोलिडेटिंग डाटा रेफर्स टू कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इनटू अ सिंगल डेस्टिनेशन। कंसोलिडेटिंग की डाटा क्या होता है, एक ऐसा डाटा होता है जो कि कलेक्शन होता है या फिर इंटीग्रेशन होता है, किसका, डाटा का, मतलब जहाँ की बहुत सारा डाटा को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। अब सोर्स क्या है, सोर्स यानी कि जहाँ से वो डाटा आया है वो क्या कहलाया, उसका सोर्स, यानी कि जिसको हम, जैसे नॉर्मली सोर्स क्या हो गया, किसी ह्यूमन का सोर्स क्या होगा, जन्म लेना, वो उसका हो गया सोर्स। ठीक है, जहाँ से वो चीज़ आया है, ठीक, वो हमारा सोर्स हो गया। जैसे नॉर्मली स्कूल का सोर्स क्या हो गया, LKG, यानी सबसे स्मॉल क्लास, जो जहाँ से हम क्लास स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्रोग्रामिंग में सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी डाटा का कलेक्शन होता है, जो कि डाटा के इंटीग्रेशन और कलेक्शन के लिए यूज करता है, कहाँ से, डाटा को, सोर्स के, डाटा के सोर्स से लेके उसके डेस्टिनेशन से। ठीक है, इस लाइन को समझिएगा, ये क्या करता है, बहुत सारे डेटा को पहले कलेक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या, हमारे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करता है, कहाँ से कलेक्ट करता है, उसके सोर्स से, यानी कि जहाँ से वो डेटा स्टार्ट हुआ है, यानी स्टार्ट टू एंड तक ये डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और इसके साथ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट यानी उसके साथ प्रोसेस करता है, इंटीग्रेशन मतलब उसके साथ प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके साथ क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डाटा का कोई भी डाटा जो कि स्टार्ट से एंडिंग तक के बीच का है, उसके साथ कोई भी प्रोसेसिंग का काम या फिर उसको कलेक्ट करने का काम हमारा कंसोलिडेटिंग डाटा करता है। आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होने पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।